यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है मित्रों, हम लोग एक जगह में रह रहे हैं, एक हर रोज सुबह उठते ही देखते हैं एक दूसरे को, शकल को, सेम मंगलोइड है, सेम फ्यूचर है हम लोग का, जो आप खाते हैं हम भी वही खाते हैं, आप जैसे देखते हो हम भी वैसे देखते हैं। अगर आप डिपोर्टेशन की बात करते हैं दैट एक्चुअली इनकरेक्ट और ये होगा भी नहीं, और 1996 जैसमैन अगर करेंगे उसका आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन मूव टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप स्टेटमेंट ऐसा करते हैं तो विल रीच टू द कोर्ट। अगर आप इस तरह का धमकी देते हैं कि हम लोग 2 फरवरी से हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो वो ऐसा नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयानबाजी। हमने आपसों को कोई लेना देना तो कनेक्शन भी नहीं किया, हमने केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा है, हमने आपसों को कोई लेना देना कोई कनेक्शन भी नहीं किया, हमने केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा है। हम लोग अरुणाचल में किसी से मारपीट करने के लिए तो जाना है, हम लोगों ने कहा था वहां पे पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, हम अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आपके सामने हाजिर है। हाजिर इसलिए है क्योंकि कुछ तरह तरह के सोशल मीडिया में मेजर स्टेटमेंट चलाए जा रहे हैं, और तरह तरह के यूट्यूबर हो, चाहे तरह तरह के कुछ बच्चे हो, तरह तरह के कुछ ये इंडिविजुअल्स हो, सामने आकर तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन और हाजंग स्टूडेंट यूनियन दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर एक रिलीजियस कार्ड खेलने की कोशिश की है। दरअसल वो रिलीजियस कार्ड नहीं था मित्रों, आपको ज्ञात होगा, आप सीरीज ऑफ कोर्ट की वर्डिक्ट देखेंगे, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हो, या गुवाहाटी हाई कोर्ट की, या गवर्नमेंट के जो पब्लिक डोमेन है, तरह तरह के नोटिफिकेशंस देखेंगे, जो चाकमा जो कि बौद्ध है और हाजंग जो हिंदू है, जो विगत 50-60 सालों से अरुणाचल में आके रह रहे और यहाँ पे आके हम लोग को जो केंद्र जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमेशा कहा है कि भारत सभी हिंदुओं सभी बौद्धों जितने भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले उन लोगों का घर है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अरुणाचल में एक भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रेटेड स्टेट है। वहाँ से अगर हम लोग को बांग्लादेश में डिपोर्ट करने की बात करते हैं तो इसमें भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टेटमेंट, उसका पॉलिसी, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चाहे वो लॉ मेकर हो या पॉलिसी मेकर्स हो, उनकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टेड लगता है। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग बौद्ध होते हुए, हिंदू होते हुए, अगर हम लोग को भारत से भगाने की कोशिश किया जाता है, डिपोर्ट करने की धमकी दी जाती है, वो तरह तरह से वो मिसमैच मैच नहीं खाता है दोनों स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट के बीच में। इसी को हम लोग आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की है, ना कि हम लोग अरुणाचल को बाहर जो कि सेंट्रल दिल्ली में जाके एक रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की है, कभी नहीं किया हम लोगों ने, ना कभी करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँ, हम लोगों ने कोई रिलीजियस कार्ड नहीं खेला है, हम लोग जो अपना धर्म है उस धर्म को मानता है उसको हमने सबके सामने बोला है, दैट इज आवर राइट्स। आप कौन सी धर्म को मानते हो, आप बोलना भी कोई अपराध है, तो मुझे लगता है हम लोग उसके अपराधी है। अगर हम अपने कौन सी धर्म को मानते हैं, हम लोग बौद्ध मानते हैं, हाजंग भाई हिंदू मानते हैं, अगर वो बोलने में अगर पब्लिक डोमेन में बोलने से वो अपराध बन जाता है तो भैया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा बात यह है कि हमारे ये ईटानगर क्यों नहीं आया, दिल्ली क्यों आया, हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई किया, ईटानगर में हम लोग आएंगे। और इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं भैया हम लोग बंदरदेवा में रुकेंगे, हम लोग देखेंगे फूलमाला में, भैया हम लोग एक्चुअली अर्ली स्टेज में आदि मानव काल में नहीं रह रहे हम लोग, सब लोग अभी इंडिया एक 21st सेंचुरी से गुजर रहा है, G20 समिट होने जा रहा है यहाँ पे, जो टॉप पावरफुल 20 कंट्रीज है उनको हम लोग अभी इस यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पे, उसी स्टेज के लोग अगर उसी कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग अगर कहते हैं कि कोई बाहर से कोई अगर हमारे अपने स्टेट पे अपने कैपिटल में आएगा हम लोग को फूलमाला से इनसे देखेंगे हम कैसे आ सकते हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग अ वेरी रॉन्ग ट्रैक माई डियर योर फ्रेंड्स माई डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट यू आर गिविंग। एक्चुअली हम लोग को एज ए यूथ होने के नाते हम लोग को जीना है, हम सभी लोगों को एक साथ भाईचारे में जीना है, सब लोग को एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन करना है, तो हम लोग को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना। हम लोग कहा क्या कहा था, हम लोग अरुणाचल में किसी से मारपीट करने के लिए तो आना है, हम लोगों ने कहा था वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं, लेजिस्लेटिव जो है MLA कहते हैं हम लोग सब बैठते हैं वहाँ पे, मिनिस्टर बैठते हैं, उनसे मिलने के लिए आएंगे, मिलने के लिए इसलिए आएंगे क्योंकि डायन में हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद तरह काफ़ी बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी रोने के बाद भी कोई सुनने नहीं आ रहा था, हम लोग को ईटानगर आना पड़ेगा ना, आप लोग से तो हम लोग मारपीट करने के लिए नहीं आएगा, आप भी तो हमारे भाई हैं, हम भी तो आपके भाई हैं,
हम वहाँ पे अपनी जो दुख है, अपनी जो 50 साल की दुख दर्द है, उनको लेके हमारे जो पॉलिसी मेकर है, जो बाबूस है, जो सेक्रेटरीज है, जो हमारे पॉलिसी मेकर लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर्स है, उनको बात करने के लिए आना है। ऐसा है, ये क्लियरिफिकेशन है हमारी तरफ से। और दूसरा है, एक हमारे मेरे मित्र नवाम जी, नवाम गांधी जी, आप सबके बड़े मेच्योर आदमी भी है और लगता है उनके लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो मुझे लगता है उन्होंने हमारे एलिगेशन लगाया कि शाइनिंग एंगल का कुछ हमने स्टेटमेंट दिया है। देखिए मेरे प्यारे नवाम जी, आपको पता होगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे 1965 में पीएन लुटरा जी, जो कि गवर्नर के हमारे जो उस समय नेपाल अरुणाचल तो था नहीं 1965 में, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत का राष्ट्रपति है उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट हुआ करता था थ्रू गवर्नर ऑफ असम। उस असम का जो एडवाइजर था पीएन लुटरा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो लेटर नंबर था ये RR 17/64 डेट था 21 अप्रैल 1965। उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल सेक्रेटरीज, जितने भी पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे नेपाल के, उनको एक चिट्ठी लिखा कि जितने भी रिपेरिएटेड इंडियंस फ्रॉम द सेलॉन, रिफ्यूजीज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, एक्स सर्विसमैन, एक्स असम राइफल पर्सनल टू पॉपुलेट द स्टेटस ऑफ वैकेंट लैंड अलोंग विद द बॉर्डर एरियाज टू स्ट्रेटन आवर फ्रंटियर एंड अदर डिफेंसेस। इसका ये था कि 1964 में 1962 में जो हमारे इंडो चाइना वार हुआ था, काफ़ी वैकेंट लैंड था, उन वैकेंट लैंड को भरने के लिए और हम लोगों को वहाँ पे लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी था एक्चुअली सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, ना हम लोग पैदा हुए थे। इवेंट जो इस समय स्टेट को चला रहा है, काफ़ी लोग पैदा नहीं हुए होंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में है, काफ़ी मिनिस्टर हमारे एक तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय 1960 में, क्योंकि इतिहास को हम लोग पढ़ते कम है। इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी के एंगल में मैंने कहा है, क्योंकि इस समय सेंटर की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जो बॉर्डर एरिया है, पर्टिकुलर जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, चाइना के साथ सटा हुआ है, उनको हमेशा ये रहे कि कम्युनिकेशन हमारी तरफ से अच्छी रहे और बॉर्डर को स्ट्रेटन किया जाए, स्ट्रेटन इन द सेंस सिक्योरिटी के थ्रू। हमारे जो आर्म फोर्सेस है वहाँ पे एनाफ मात्रा में हम लोग को वहाँ पे डिप्यूट करें। लेकिन ऐसा है कि इस समय अगर, क्योंकि चाइना और अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी इंडिया में हमेशा ये क्लैश रही है, वो कोई हम लोग को डिनाई नहीं कर सकता है। इसी के लिए हम लोग को जो चाकमा और हाजाओ जो यूथ्स है पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि चाइना को वीकनेस मिल रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जितना स्टेट एंड बॉर्डर एरिया में, जितने बॉर्डर एरिया से यूथ ज्वाइन करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पंजाब, चाहे राजस्थान, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, म्यांमार जो सटा हुआ है और ये हमारे चाइना से सटा हुआ है, वहाँ से अगर यूथ्स एक्टिवली जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करेंगे, उतना पीछे चाइना और पाकिस्तान हटेगा, क्योंकि यहाँ का यूथ उसी मातृभूमि की रक्षा के लिए उसी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ अगर हम लोग को आरपीसी ना देकर हमारे जो यूथ्स हैं जो आर्मी में देना जाना चाहते हैं, अगर इसमें हम लोग डिनाइड कर देते हैं, उसको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मना करते हैं, तो मुझे लगता है चाइना ऑन सम एक्सटेंड अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग मानने लगेगा। तो इसी को हमने आपको किसी को नहीं कहा था, हमने आप सबको कोई लेना देना, कोई कनेक्शन भी नहीं किया, हमने केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा है, केंद्र सरकार को इस सिक्योरिटी इशू पे थोड़ा बात करने के लिए कहा है, मैंने संज्ञान करने के लिए कहा। प्लीज डोंट को रिलेट विद ऑल दीज थिंग्स, वी ऑल अरुणाचल प्रदेश इलेक्टेड एनी यू नो कम्युनिटीज, हम लोग कहते हैं कि भारत में जब भी जाके हम लोग जय हिंद करके सबको सलाम करते हैं, हम लोग पे रंग रंग में, कुन कुन में, सभी कम्युनिटीज में, अरुणाचल में बसे वाले लोगों को में भारत की सेवा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए हम लोग पे हमेशा वो रहा है, हमेशा जिल रहा है और रहेगा भी, इसको प्लीज डोंट वैल्यू डोंट। एंड बात हुई है पॉपुलेशन की, बात पॉपुलेशन की, काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी अनगिनत बातें करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, दैट एक्चुअली यू नो डिस्टर्ब करते हैं हमारे जो ये आम पब्लिक, आम जनता है अरुणाचल वासियों को। कभी लोग कहते हैं कि 2 लाख चकमा है, कहीं 2.5 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 1 लाख, दैट एक्चुअली फैक्चुअली जब हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, वी हैव टू बी वेरी यू नो ये स्टिक ऑन द फिगर्स एंड फैक्ट्स, जो भी हम लोग होता है पढ़ के आना चाहिए, इरिलीवेंट और फेसलेस चीज़ें हम लोग को पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक मिसगाइड होती है। फॉर बट गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्लीज डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे नेत नवम भाई गांधी भाई ने कहा कि 1400 समथिंग लोग आए थे ये इस पाकिस्तान से,
दैट एक्चुअली फैक्चुअली इनकरेक्ट। हमारे अरुणाचल में चाकमा और हाजोंग मिला के टोटल फैमिली स्टेट 2740 फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो पॉपुलेशन की बात करते हैं 14,888 लोग भारत में, भारत सरकार के द्वारा अरुणाचल में परमानेंटली बसाया गया था, नेपाल में बसाया गया था। जब 1964 और 2001 की 11 की बात करते हैं, हम लोग का जो पॉपुलेशन है 14,088 से 49,784 हुआ है, जो कि 34,896 बड़ा है, जो कि 4.98% पर ईयर है 1964 टू 2011। हम अक्रॉस अरुणाचल की बात करते हैं तो अरुणाचल में 1964 पे कितना था, 3,37,000 पॉपुलेशन था ओवरऑल 1964 में। उसकी पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हुई 13,84,000, जो कि जो ग्रोथ की बात करेंगे तो हम लोग 6.22 पर एनम की ग्रोथ है उसकी। कंपेयर करते हैं चकमा और हाजोंग की, चकमा ये पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ अरुणाचल की, तो चकमा लोगों की है 4.98% पर ईयर ग्रोथ और ओवरऑल अरुणाचल की है 6.22। इसको आप लोग मिसकोट मत कीजिए, दैट इज फैक्चुअल करेक्ट। ये अरुणाचल गवर्नमेंट ने रखा है व्हाइट पेपर में, अपने व्हाइट पेपर में, इसमें तो कोई छुपाने की बात नहीं है, सरकार ने ही रखा है पब्लिक डोमेन में। और दूसरा बात रही जो हम लोग कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको कहते हैं, तो ओवरऑल स्टेट पॉपुलेशन कैलकुलेटेड विच स्टैंड एट 2.87% यूजिंग द सेम मेथड इन CAGR फॉर द चकमा एंड हाजोंग पॉपुलेशन इन 1964 टू 2011 द 47 ईयर में हम लोग का 2.60 है, विच पॉपुलेशन इज 1964 टू 2011 ड्यूरिंग द 47 ईयर इज 2.60 विच इज लोअर देन द ओवरऑल स्टेट पॉपुलेशन। स्टेट पॉपुलेशन का कितना है हमारा 2.87 और पूरे चकमा हाजोंग लोगों का है 2.60, काफी नीचे है चकमा हाजोंग लोगों का। ताकि हम लोग को सबको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बात नहीं करना चाहिए। और रही और वोटर्स की बात, कुछ लोग कहते हैं वोट वोटर हो गए भाई 10,000 हो गए 15,000 हो गए, डेट एक्चुअली नॉट करेक्ट। 4,000 के है भैया पूरे मिला के, दायून कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के, आप लोग किस दुनिया में कहाँ से फिगर लाते हैं पता नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं चलना चाहिए, मिसगाइड हो जाएंगे लोग, बाकी लोग जो दायून के बारे में जानते नहीं है वो लोग एक्चुअली मिसगाइड हो जाएंगे। तीसरा बात हुआ है डिपोर्टेशन पॉलिसी लाएंगे करके, इस तरह का स्टेटमेंट सोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, हम लोग सोल्यूशन पर नहीं जा रहे एक्चुअली। अगर आप डिपोर्टेशन की बात करते हैं डेट एक्चुअली इनकरेक्ट और ये होगा भी नहीं। और 1996 जैसमिन अगर करेंगे उसका आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं आप, डेट मीन्स वी कैन मूव टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप स्टेटमेंट ऐसा करते हैं तो विल रीच टू द कोर्ट, अगर आप इस तरह का धमकी देते हैं कि हम लोग 2 फरवरी से हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो वो ऐसा नहीं देना चाहिए इस तरह का बयानबाजी। आप एग्रेसिव होकर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं फिर आपको भी सोचना पड़ता है कि हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली मेरे भाई, मेरे जितने भी जो भी पर्टिकुलरली आई एम नॉट पॉइंटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन्स, दिस इज यू नो फॉर ऑल द इरेस्पेक्टिव। हमारी तरफ से भी कुछ लोग बहुत एग्रेसिव चीज़ें बोलिए यू नो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर हम सोल्यूशन चाहते सोल्यूशन होगा, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है मित्रों, हम लोग एक जगह में रह रहे हैं, एक हर रोज सुबह उठते ही देखते हैं एक दूसरे को शकल को, सेम मंगलोइड है, सेम फ्यूचर है हम लोग का, जो आप कहते हैं हम भी वही कहते हैं, आप जैसे दिखते हो हम भी वैसे दिखते हैं। इट शुड नॉट बी, वी शुड नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइडर, हम लोग को अपने लेवल पे रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है भैया। आपने देखा होगा कि काफ़ी तरह की चकमा को बिल्कुल कन्फाइन किया गया है, आप दायन और चंगला को पर्टिकुलरली देखेंगे कंपेयर करेंगे, वी कॉल एज ए मिनी इंडिया, सभी जाति के लोग रहते हैं वहाँ पे, चकमा हाजोंग काय कामटी आहोम निशी आदि योबिन मोसा सभी लोग, अब कौन सी जाति नहीं मिलेगा, कौन सी कम्युनिटी नहीं मिलेगा, देखिए ना दायन में जाइए तो जितने भी हमारे बाहर जिस पर्टिकुलरली ईटानगर में रह रहे हैं उन लोग को मैं यही गुजारिश रो करूँगा, एक बार प्लीज़ घूमने आइए, एक बार प्लीज़ घूमने आइए। जितने भी आप सुखे जितने लीडर्स हैं प्रेस मीडिया के थ्रू मैं ये निवेदन करूँगा, मेरे हमारे बड़े भाई हमारे मित्र एक बार घूमने आइए, आप चीज़ों को देखिए, तो एक बार इस तरह की चीज़ों को देखेंगे आपको समझने में आज ईजी हो जाएगी। सो डेट आपके स्टेटमेंट को देने से पहले आप 10 बार सोचेंगे हम लोग को जो इरिलीवेंट चीज़ें हम स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, इस तरह की आप सोचेंगे। इसलिए मैं जितने भी हमारे मीडिया मित्र हैं उनका आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आप लोगों को भी मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़ावा नहीं देना है।
क्योंकि स्टेट एक हम लोग हमेशा कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मैं बाहर रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, हमेशा हमारा कभी ये नहीं रहा कि अरुणाचल प्रदेश को डिफेम करने का। हमेशा जब भी चाहता हूँ, हमारी 50 साल को हमारे माँ बाप ने हमने कैसे कहा हमें पता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा है अरुणाचल हमारा खराब है। जब भी कहते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू, आइए हमारे सुंदर अरुणाचल प्रदेश में घूमने, हम अपनी समस्या को किसी को नहीं बताया। पहली बार हम लोग को ये करना पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। करना हम लोग को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्टेट सरकार हमें नहीं सुन रही है। हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारे माँ बाप और स्टेट सरकार है, माँ बाप सरकार नहीं चल रही है तो पड़ोसी को तो आवाज़ सुनेगी, पड़ोसी जो कि हम लोग दिल्ली को कहते हैं। इस तरह की हम लोग को थोड़ा कंडिसिव एटमोसफेयर क्रिएट करना चाहिए, एक सोल्यूशन की बात करना चाहिए। सभी लोगों को एक सोल्यूशन पे अगर एक टेबल में बैठेंगे हम लोग, सोल्यूशन जरूर आएगा। फेस टू फेस बात करेंगे, सोल्यूशन जरूर आएगा। अगर हम मन बना के आएंगे सोल्यूशन नहीं करना है, डेट एक्चुअली यू नो ये वी आर नॉट गोइंग इन अ राइट ट्रैक। आपको हमेशा ये कहता है कि आप सबको भी तरह तरह के ब्लेम किया जाता है कि आप ये इशू को कभी सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता है। ATM, आई डोंट नो व्हाट इज दिस रिलेवेंट और नॉट, आई एम नॉट डिफेमिंग ऑल दोस थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग आउट दिस थिंग, बट हम लोग को एक विल पावर क्रिएट करना होगा स्टेट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन हम लोग को CBS को भी, कि इस इशू को सॉर्ट आउट करना है हमेशा के लिए। इस विल पावर के साथ ही हम लोग एक साथ जी सकते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को हाथ जोड़ कर विनम्र करता हूँ। लेट्स कीप दिस मोमेंटम, लेट्स क्रिएट अ पॉजिटिव एटमोसफेयर अक्रॉस, लेट्स सॉर्ट आउट दिस लॉन्ग पेंडिंग इशू।